हेलो स्टूडेंट्स, सेवेंथ क्लास संस्कृत में हमारा चैप्टर 5 है, वो है पंडिता रमाबाई, यानी कि जो विदुषी है, क्या है? विदुषी रमाबाई के बारे में है। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रण्य तस्मिन् स्त्री क्षेत्र अग्रण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे जन्म अलभत। देखो, अलभत में क्या है? लब धातु हो गया। क्या है? लब धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन है, इसकी हिंदी कर लेंगे। स्त्री शिक्षा में यानी कि नारी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय यानी सबसे आगे गिने जाने योग्य विदुषी या विद्वान पंडिता यानी कि विदुषी रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याह पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चय लक्ष्मीबाई आस्था। तस्या पिता, उसके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे और माताजी लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति है चिंतनीया आसी। तस्मिन् काले, इसमें कौन सी है? तस्मिन् काले, इसमें सप्तमी विभक्ति एकवचन है। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षा नारी की शिक्षा की स्थिति यानी कि हालात चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलितम नास्ति, सामान्यतः प्रचलन में नहीं थी। प्रचलित उपसर्ग हो गया नास्ति, न प्लस अस्ति, आसित न प्लस आसित, नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़ी बदाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृत मध्यालपयत। किंतु जो डोंगरे, उसका फादर था अनंत शास्त्री डोंगरे, किंतु डोंगरे ने रूढ़ी विचार वाली धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। इतर्थ सह समाजस्य, इसके लिए उसने समाजस्य में षष्ठी विभक्ति एकवचन, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना अपि सहती, प्रताड़ना को भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि सौ मातु, अनंतरम इसके बाद रमाबाई ने भी अपनी सौ मातु, रमाबाई ने भी अपि अपि मानी भी सौ मातु अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, माताजी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अपनी माता जी ने भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब आगे देखते हैं। देखो, काल कर्मेण रमाया पिताया विपन्न संजात। काल कर्मेण, इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। काल कर्मेण, समय की गति से रमाबाई के पिताजी निर्धन हो गए, पन संजात निर्धन हो गए। तस्या पित्रो ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षण पंडिता दिवंगता। तस्या, उसके माता पिता और बड़ी बहन, ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन दुर्भिक्षण पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर मर गए, सुरक्षित हार गए। तदनंतरम रमाशव ज्येष्ठ
भ्राता। इसके पश्चात रमाबाई ने अपने ज्येष्ठ भ्राता यानी कि अपने बड़े भाई को सह पदाभ्याम समग्रम भारतम अब्रमत है, बड़े भाई के साथ पैदल ही समग्र यानी संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण कर्मेण सा कोलकाताम प्राप्त, भ्रमण या घूमते हुए भ्रमण करते हुए कोलकाता पहुंची। संस्कार वेदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेदी उपाधिभ्याम विभोते। संस्कृत वेदुषेण यानी संस्कृत की विद्या के कारण वहाँ पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित हुई। तत्र सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहाँ ही उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादिनाम शास्त्राणाम शिक्षाया आंदोलनम प्रारब्धति। पश्चात उसके बाद में उसने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। ओके स्टूडेंट, आगे का हम कल पढ़ेंगे।